नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राजबहादुर सिंह द्वारा क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सप्रे, जनपद अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी, एसडीएम आरती यादव, एसडीओपी सौरभ तिवारी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, पत्रकार एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अनावश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य, नगरपालिका, पुलिस, शिक्षा, महिला बाल विकास आदि विभागों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक कर नगर परिषद के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम आरती यादव ने अभी तक प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव, जनता कर्फ्यू, शासकीय चिकित्सालय, शादी में की गई तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी सभी को दी। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर के पर बनाए गए आइसोलेशन सेंटरों की बात कही गई पर असहमति व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक वीर सिंह पवार, जनपद अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी ने कहा कि धरातल पर ऐसी कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर सीईओ जनपद पंचायत चेतना पाटिल के द्वारा जानकारी देनी चाहिए, तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने अपने ही पंचायत में चल रहे वस्तु स्थिति को देखा। वहां अन्य लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग एवं अन्य तीर्थ यात्रा से लौटने वाले लोगों को गांव से बाहर क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है, ना ही उनकी जांच की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इस बार संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, जो आने वाले समय में काफी तकलीफदायक साबित हो सकता है। बैठक में पूर्व पार्षद सीताराम सैनी द्वारा विदिशा जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराए गए हेल्पलाइन नंबर एवं पर कोई जवाब नहीं देने की शिकायत दर्ज कराते हुए इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई। इस पर सांसद ने कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा कर इस व्यवस्था को सही ढंग से प्रभावी एवं कारगर बनाने की भी बात स्वीकार की। पूर्व पार्षद रजनी साहू द्वारा शासकीय चिकित्सा से विदिशा या भोपाल रेफर पर किए गए कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया, जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त करते हुए रोगी कल्याण समिति से ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था किए जाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद सभी लोगों ने जूनियर कन्या छात्रावास में स्थापित कोविड-19 का निरीक्षण किया और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं पर संतुष्टि कर शीघ्र कोविड-19 सेंटर को पूरी सुविधाओं के साथ चालू करने के निर्देश दिए। सांसद सिंह द्वारा बताया गया कि बीना रिफाइनरी के पास जल्द ही 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसका क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलना होगा। नई चीज़ करने वाले हैं, उनसे कुछ भी आप बोलो तो ये कहते हैं कि क्योंकि हमारा तो दिखने वाला है सिस्टम, इसलिए वो कुछ चीज़ें बढ़ानी है। लेकिन जो आप मानसिक वाली बात जो आपने अभी कही थी, तो ये अस्पतालों के अंदर, शासकीय अस्पतालों में भी इमरजेंसी 24 आवर्स चालू रहना चाहिए, और जो बुखार से दूसरे उससे पीड़ित लोग आ रहे हैं मरीज, उनके लिए बिना कोई जाँच किए सीधा ऑक्सीजन लेवल कम है, सीधा रेफर, रास्ते में मर जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल पहले यहाँ कंट्रोल करना है। यहाँ थोड़ा सा उनको प्राइवेट ट्रीटमेंट दें और उसके बाद थोड़ा सा उसको जाने की सुविधा दें, उसके बाद आदमी को कम से कम मानवता के हिसाब से जीने के लिए सुविधा तो देना चाहिए। तो हमारे जो अधिकारी गण हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, सब चीजों में लगे हैं, उनकी भी अपनी सीमाएं, वो भी जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, तेजी से कैजुअलिटी बढ़ी, उसको लेके भी क्योंकि हम सब लोग मानव कुरबाई से खबर समय जगत के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।